हेलो साथियों, नमस्कार प्रणाम। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लोग यूट्यूबर्स हैं। मैं जिस गांव की बात करने वाला हूँ उस गांव का नाम है तुलसी गांव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है तुलसी गांव। ये ऐसा गांव है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर घर में यूट्यूबर्स पाए जाते हैं। यहाँ पर 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के बुजुर्गों तक यहाँ यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग महीने की कर रहे हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखना। छत्तीसगढ़ के तुलसी गांव के ज्यादातर लड़कों का एक ही सपना है और वो है यूट्यूबर बनना। कुछ वर्षों तक इस गांव के युवा डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी नौकरियों में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन युवाओं के सामने कंटेंट क्रिएशन एक नया विकल्प बनकर उभरा है और अब इस गांव की पहचान यूट्यूबर्स के गांव के रूप में होने लगी है। YouTube हम लोग ऐसा साइड में एंटरटेनमेंट के पर्पस पे बनाना स्टार्ट कर दिए, दो लोग मिलके, मैं और जय ने। और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि यार कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दो लोग कितना ही एक्ट करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कुछ गांव वालों को अप्रोच किया कि आप थोड़ा सा एक्ट कर दोगे क्या? वो बोले ठीक है, हम कर देंगे। तो ऐसा करके कुछ गांव वाले जुड़े, मतलब गांव में पूरा कलाकार मिलते गए। और फिर धीरे धीरे जो कुछ कैरेक्टर थे हमारे वीडियोज़ में, उन्हें लगा कि वो भी अपना चैनल बना सकते हैं। तो हमसे बात किए तो हम लोग बोले हाँ बिल्कुल, तो फिर उनका भी चैनल बनवाए। मैं बस जैसे कोई रिकॉर्ड करवाने आते हैं उसका म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाता हूँ, और रैप करने का भी शौक है। जब भी कहीं बाहर जाते हैं और जब लोग पहचानते ना कि अच्छा मैं तो ना ये वाले वीडियो में देखे रहे करके, तो बहुत अच्छा लगते फिर ये वाला डायलॉग हो गया ना, दूसरा वाला डायलॉग। YouTube पर कंटेंट बनाने के लिए इस गांव के लड़कों के पास ना तो अच्छा कैमरा था, ना ही शूटिंग के लिए कोई स्टूडियो, लेकिन उनकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं थी। और उनके पैशन से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर खुद उनकी मदद के लिए आगे आए और कौशल विकास केंद्र के रूप में 25 लाख रुपए की लागत से एक हाईटेक स्टूडियो का निर्माण कराया। इसका नाम है हमार फ्लिक्स स्टूडियो। हमार फ्लिक्स स्टूडियो स्वागत करता है आपका। और ये जो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडियो है, बहुत बड़ा सा, ये आप जैसे ही एंटर करेंगे ये रूम है जहां पे सबसे पहले YouTube का ये थंबनेल यहाँ पर बना हुआ है। और क्रिएटिविटी के साथ इस रूम को सजाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर सारी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया लाइट्स, कैमरा, ड्रोन, ये सारे ड्रोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं जो जिनके मदद से ये अपनी हाईटेक वीडियोस यहाँ पर शूट करते हैं। और बिल्कुल अभी स्मॉल स्केल तरीके से ये मामला पूरा शुरू हुआ है। और जिला कलेक्टर ने इस गांव में बनवाया एक स्टूडियो जहाँ पर लोगों को पहले वीडियो एडिटिंग करते समय दिक्कत आती थी, तो उसी दिक्कत को देखते हुए जिला कलेक्टर ने यहाँ पर एक स्टूडियो भी बनवाया है जिसका नाम है हमार फ्लिक्स स्टूडियो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर देना। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।